हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, अगर आप भी इंडियन नेवी AMR के एस्पिरेंट हैं और नेक्स्ट एग्जाम को देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक क्या है गाइज, जैसा कि आप लोगों ने कभी ना कभी इंडियन नेवी AMR का ऑफिशियल सिलेबस ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आज ज़रूर पढ़ लेंगे और उसमें सभी टॉपिक्स को ज़रूर देखा होगा। तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि इतने टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, जो पिछले एग्जाम के आधार पर हुआ है कि बिल्कुल भी उन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं उठाया गया है, तो वो सब कुछ बताने वाला हूं और किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है ये भी बताने वाला हूं। तो पूरा देखिएगा। एक और चीज बताऊं इसमें कि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करते हो तो 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंडियन नेवी AMR की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करेंगे और हम सबसे पहले चलेंगे जो ऑफिशियल सिलेबस है उस पर, और उसी पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, ये PDF है ऑफिशियल सिलेबस की, देख रहे हैं जैसे कि आप ऊपर सिलेबस फॉर मैट्रिक रिक्रूट्स AMR, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सबसे पहले हम सेक्शन बी की बात करते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्योग्राफी में दिया गया है सॉयल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड्स, हार्बर्स, उसके बाद कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, हिस्ट्री, डिफेंस, वार्स एंड नेवर्स, अवार्ड एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, करेंट अफेयर्स, लैंग्वेज, कैपिटल एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड एब्रिविएशन, इमिनेंट पर्सनालिटीज, नेशनल बर्ड एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स। स्पोर्ट्स में है चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स और नंबर ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद अगर हम इसमें अब बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, नहीं पढ़ना है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा करंट अफेयर्स। इसको बिल्कुल ही कट कर दीजिए, आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल उतना ध्यान मत दीजिए। मेरा कहने का मतलब वो है कि करंट अफेयर्स से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था पिछले एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया करंट अफेयर्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है हमारा जो अगर डिस्कवरीज़ के बारे में, तो डिस्कवरीज़ के बारे में भी ज़्यादा नहीं पूछा गया था और इस टॉपिक को भी उतना ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी आपके लिए जनरल अवेयरनेस में। अगर अब हम नीचे आते हैं तो ये जो है आपका बर्ड एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स, ये नेशनल जो जितने भी हैं इसमें से भी बहुत कम सवाल या फिर 9 के बराबर जो सवाल होता है, बिल्कुल भी 9 के बराबर सवाल तो वो पूछा गया है, तो इसको भी उतना हम नहीं सीरियसली ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, इन सबको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब अगर हिस्ट्री में आते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बाहरी हिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, वो भी ज़्यादा नहीं, बस इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ना है, जो भी जो जितनी भी हमारी जो क्रांतिकारी लोग थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद जो मतलब इंडियन हिस्ट्री को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से भी एक दो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका हो जा रहा है एब्रिविएशन से, उसके बाद कैपिटल से, करेंसीज से, उसके बाद लैंग्वेज से, कल्चर और रिलीजन से, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इन टॉपिक्स को इग्नोर करना है, हिस्ट्री को उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, उसके बाद करंट अफेयर्स को भी उसी तरीके से, ठीक है, डिस्कवरीज को भी उसी तरीके से लेना है। अगर और बात करूँ मैं नीचे तो यहाँ पे जो नेशनल बर्ड एनिमल और स्पोर्ट्स है इसको भी थोड़ा सा आप कम ही ध्यान दीजिएगा, बाकी जितने भी टॉपिक्स आपको इसमें दिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको अच्छे से ध्यान देना है आपको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स, जैसे मैं ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए सॉयल से क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, माउंटेन्स से पूछा जा सकता है, ठीक है, पॉट्स से आ सकता है क्वेश्चन, और यहाँ पे रिवर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिवर्स को अच्छे से आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं जो GK है ना वो अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। कि GK किस तरीके से अलग तरीके से क्या, उसको मैं बिल्कुल जो आपका ट्रिक्स से याद कराया जाता है ना उस तरीके से मैं GK लेके आने वाला हूँ वहाँ पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो कल्चर और रिलीजन को आपको पढ़ना है, फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ना है, इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स को पढ़ना है,
जो इंडिया के बारे में है, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस। आर्ट्स एंड डांस भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑथर्स को पढ़ना है। उसके बाद डिजीज एंड न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे वार्स एंड नेवर्स, ये इस टॉपिक को अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। अब लैंग्वेज में आते हैं, तो लैंग्वेज को, कैपिटल एंड करेंसीज को, कॉमन नेम्स को, फुल फॉर्म्स एंड एब्रिविएशन, बहुत मस्ट टॉपिक है ये, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इमिनेंट पर्सनालिटीज, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट ही मान सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो ये मॉन्यूमेंट्स है, स्पोर्ट्स हैं, इसको आप अगर चाहें तो पढ़ें, नहीं भी पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स में आपको पढ़ना क्या है, चैंपियनशिप को, उसके बाद जो विनर्स होते हैं उसको, टर्म्स को, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, कौन सा नाम होता है किस खेल के लिए, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की ऐड होती है, और इसमें पास होना मस्ट है, 5 मार्क्स मिनिमम पासिंग है इसके लिए। लेकिन आपको कोशिश करना है कि 20 प्लस स्कोर करो जनरल अवेयरनेस में, जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन ए पे, सेक्शन ए की ओर चलते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स है सेक्शन ए में। अब यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ मैटर, एक एक करके दिया गया है अलग अलग, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैं दिखा रहा हूँ। फोर्स एंड ग्रेविटेशन सेकंड में ऊपर है, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, सब कुछ आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लिनियर इक्वेशन, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब बहुत कुछ है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब दिया गया है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 25 क्वेश्चन ही होता है और 25 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये साइंस का पार्ट है ना, साइंस का पार्ट और ये मैथमेटिक्स का पार्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे होते हैं अलग अलग, यहाँ पे कभी 13 क्वेश्चन इससे, कभी 12 क्वेश्चन इससे, कभी 12 क्वेश्चन इससे, कभी 13 क्वेश्चन इससे, ऐसे होता था। लेकिन जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें क्या हुआ, साइंस से लगभग लगभग 15 तक क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि साइंस की वैल्यू क्या है। तो मैं बोलना चाहता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि आपको जो है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी हो, इन सब में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है फिजिक्स पे देना है, और जो साइंस में केमिस्ट्री पे नहीं, आपको बायो पे, फिजिक्स और बायो, इन दोनों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड नंबर पे आपको मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है, उसमें भी आपको सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद रेशियो से क्वेश्चन नहीं आया था, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जितनी होती हैं वो, लिनियर इक्वेशन और ये पॉलीनोमियल्स, ट्रिगोनोमेट्री, इससे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपका ज्योमेट्री, और यहाँ पे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस एंड परसेंटेज, यहाँ पे देखिएगा आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से। अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसमें आपका टाइम खत्म हो जाता है, और पूरा खेल टाइम का ही है। आपको अगर इंडियन नेवी एमआर का एग्जाम देना है तो अभी पूरा खेल टाइम का है, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम होता है और 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो आप समझ सकते हैं टाइम का कितना यहाँ पे महत्व है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, कोशिश क्या करना है, स्मार्टली हैंडल करना है एग्जाम में सारी चीजों को, क्योंकि अगर आप फंसोगे तो बिल्कुल फंसते चले जाओगे। और कैसे आप स्मार्टली कर सकते हो इसको, देखिए अगर आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मजबूत हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जनरल अवेयरनेस का अगर आप 25 में से 18 मार्क्स भी कंप्लीट कर देते हो, इसमें 25 में से आप कर सकते हो, इतना ज्यादा कोई लेवल हार्ड नहीं होता है कि आप नहीं कर सकते हो, अगर 18 कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से पढ़ करके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम साइंस और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 25 में से मान लो कि साइंस का 15 क्वेश्चन आ गया और आपने साइंस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, पूरा अच्छे से, और मान लो 10 क्वेश्चन है, तो उस पर अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी सिर्फ 15 पे अगर ध्यान देते हो और 12-13 क्वेश्चन इसमें से मार देते हो आप, और आप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा साइंस में भी, साइंस भी कोई वो वाला लेवल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अगर कर देते हो तो 18 प्लस 12 ही मान लेते हैं तो 30 हो जाता है हमारा। अब यहाँ पे बचे 10 क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान देना 10 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कहीं से भी अगर पूछा जाएगा तो आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उस तरीके का ही पूछा जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन उस तरीके का पूछा जाएगा जो कि आप इजीली कर लोगे। बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको टाइम लगे और लेंदी टाइप के हो, जो कि आपसे ना बन पाए, ये भी हो सकता है। लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप इजीली कर लेते हो तो आपका कितना हो गया, 18
प्लस में आपका 13 और प्लस 5 यानी कि आपका हो गया लगभग लगभग 36 मार्क्स के आसपास। 36 अगर आप कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। हरियाणा को छोड़ करके अगर मैं बात करूं सभी स्टेट्स में आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो आपको इसी तरीके से इस चीज़ को करना है और अगर अभी से इस पे इतना फोकस कर लेते हो और इन टॉपिक्स को मैंने जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो आप इजीली एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करोगे और बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये बताना था मुझे इस वीडियो में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन नीचे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि ये जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे नए चैनल का, वहाँ पे मैथमेटिक्स को ही तरजीह दे करके मैंने वो चैनल ओपन किया है, तो वहाँ जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। और एक वीडियो आ भी चुकी है तो उसको देख भी लेना, आज एक और वीडियो आने वाली है आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।